आज हम ब्राउन पेपर पर बैक नेक डिजाइन की कटिंग करना सीखेंगे। बैक नेक आप किसी में भी बना सकते हैं, सूट में, ब्लाउज में, गाउन में, किसी भी गारमेंट को बनाते वक्त बैक में डिजाइन डालना चाहें तो ब्राउन पेपर पे जो मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप अपनी पेस्टिंग पे, फ्यूजिंग पे या डायरेक्ट कपड़े पर कट करके बना सकते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये ब्राउन पेपर लिया है। ये ब्राउन पेपर की लेंथ है और ये विड्थ है। ऐसे ही आपको अपनी पेस्टिंग या फ्यूजिंग या टेट्रोन जो भी आपने लेना है, जिस भी मटेरियल पे बनाना चाहते हैं वो लेना है और उसको इस प्रकार से फोल्ड करना है जैसे मैंने ब्राउन पेपर पे। जैसे मैं ब्राउन पेपर पे बताऊंगी वैसे ही आपको अपनी पेस्टिंग पे या कपड़े पे जैसे भी आप बनाना चाहें इजीली बना सकते हैं। तो यहां पर हमने नेक की जो लेंथ रखी है 10 इंच, नेक विड्थ 2.5 यानी 2.5 इंच। ये कम ज्यादा आपका हो सकता है, आपका यहां पर लेंथ 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। विड्थ यहां पर 3 इंच तक भी आप ले सकते हैं, ज्यादा ब्रॉड करना है तो 3.5 साढ़े 3 इंच भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये इस तरीके से पेस्टिंग बुकरम आपकी या फ्यूजिंग कोई भी आप मटेरियल ले उस पर इसी तरीके से निशान लगाना है। ये मैंने ब्राउन पेपर कट करके लिया है, इसकी ये मैंने लंबाई ली है और ये ली है चौड़ाई। तो उसके लिए हमने यहां पर सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है और चौड़ाई का कि कितनी हमने विड्थ नेक की रखनी है। बस आपको बुकरम पर अपना नेक कट करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बुकरम पे कटिंग अगर आप 2.5 पे करेंगे तो उस पर एक पैर की सिलाई लग के वो 3 हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको 5 इंच चौड़ा नेक रखना है तो उस कंडीशन में आपको 2.25 सवा 2 इंच पर कटिंग करनी है। बाकी पेस्टिंग, फ्यूजिंग, जो चिपकने वाली चीजें हैं उसमें आप जितना रखना चाहे उतना ही आप विड्थ रख सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ चौड़ाई का निशान लगाना है। अगर हम यहाँ 3 इंच पर विड्थ लेना चाहे 2.5 पर लेना चाहे तो 2.5, ये हमने यहाँ पर निशान लगाया विड्थ का। अब हमें ये जो चौड़ाई का निशान लगाया हमने यहां से लंबाई का निशान लगाना है। 11 इंच रखना है, 10 रखना है, जितनी भी हमें लंबाई लेनी है वो लंबाई पर हम ये निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। ये फोल्ड साइड है और ये वाली हमारी ओपन साइड है। ये निशान लगाने के बाद हम कोई भी डिजाइन बनाना चाहे किसी भी प्रकार से, ये देखिए ऐसे यहां से हमने ये लेना है और ये हल्की सी गोलाई करते हुए और जो हमने ये विड्थ का निशान लगाया है यहां लाके मिला देना है। अब इसकी जो हम पट्टी बनाएंगे बाहर वाली उस पर भी इसी तरीके की हम ये शेप देना चाहे शेप दे सकते हैं, गोल बनाना चाहे गोल, ये ऐसे निशान लगेंगे। ये हमारा एक नेक के हमने निशान लगाए, सेकंड नेक के लिए भी हमने यही इसी तरीके से, मैंने ये ब्राउन पेपर लिया है और ये फोल्ड कर लिया है, ये ओपन साइड है। सबसे पहले हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई के लिए हम यहाँ 3 इंच जैसे मैंने अभी बताया या 2.5 ले सकते हैं। लंबाई हमने हमेशा इस तरीके से नापनी है, जितना भी लेना है आपको लंबाई ले सकते हैं। यहां पर हमने ये लंबाई रखी, यहां पर 2.5 पर निशान लगाया तो 2.5 पर ही हम यहां लगाएंगे, 3 पर लगाया तो 3 पर ही यहां लगाएंगे और इसको इस तरीके से सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक रेखा ड्रॉ की। अब जितना हमने इधर लिया है उतने पे ही हम इधर भी निशान लगाएंगे। इसको देखिए ऐसे खोल लेते हैं क्योंकि ये डिजाइन एक तरफ हम इस पे कटवर्क बनाएंगे और एक तरफ हमारा प्लेन होगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ आप यहां पर इस तरीके से कर लीजिए। ये हमारा यहां से यहां तक ये 2.5 5 इंच है,
ये हमने जो लेंथ रखनी है हमारी 10 इंच या 9 इंच या 11 इंच जितनी भी लेनी है हम लेंगे यहाँ पर। ये हमारा, ये देखिए मैं आपको एक रफ मार्क करके दिखाती हूँ यहाँ पे। ये हमारी लंबाई चौड़ाई हो गई है। अब हमें जो कट डालने हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से डालने हैं। ये देखिए, ये हल्का सा कर्व करते हुए यहाँ पे, ये जो कर्व है ये आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ ला करके हमें ऐसे मिलाना है। ये मिला करके यहाँ पर हमने ऐसे, और यहाँ आप चाहे हल्की गोलाई देते हुए ऐसे कर सकते हो, या फिर सीधी इस तरीके से जैसे हमने रेखा खींची है ऐसे। ये हमारे सेकंड नेक के निशान लग चुके हैं। अब हमने तीसरे पे लगाना। ये देखिए हमने इसी तरीके से लिया है। ये फोल्ड का साइड है, ये ओपन साइड है। सबसे पहले हम यहाँ विड्थ के निशान लगाएंगे। विड्थ हम 2.5 पे या 3 इंच पर जितने पे लगाना चाहे, यहाँ हम 2.5 पे लगा रहे हैं। लंबाई हमने यहाँ से इस तरीके से तिरछी करके लिए, यहाँ 11.5 पर हम निशान लगाएंगे। 11.5 पर निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए, ये जो हमने निशान लगाया लंबाई का, कितनी भी लंबाई हम रख सकते हैं, वहीं से हमें शुरू करना है। और जो हम कट डालेंगे वो हमें बराबर रखने हैं। ये आप ये देखिए ऐसे, ये निशान इस प्रकार से, यहां से हम उठाएंगे इस रेखा को हल्की सी गोलाई देते हुए और यहां ला करके मिला देंगे। अब हमें जो बाहर की रेखा ड्रॉ करनी है उसको हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पे ला करके ऐसे मिला देंगे। ये हमारे 3 डिजाइन तैयार हुए। नेक्स्ट के लिए भी मैंने ये ब्राउन पेपर पहले ही कट करके रखा हुआ है। यहाँ चौड़ाई का निशान लगाएंगे 2.5 पे या 3 पर। लेंथ के लिए हम यहाँ रखेंगे, यहाँ लेंथ हमने 12 पर ली। ये लगाने के बाद एक रेखा हमने 12 पर ली है और एक हमने यहाँ पर 8.5 पर। ये जो हमारा 8.5 वाला निशान है, इसको हम हल्की सी गोलाई करते हुए हम एकदम सिंपल गोलाई यू शेप में देंगे। यू शेप में देने के बाद ये जो हमने 12 पे मार्क किया है, इस 12 वाले मार्क को जितना आप ब्रॉड करना चाहे, चौड़ा रखना चाहे डिजाइन को, 6 इंच का तो 3 पर, 5 इंच तो 2.5 पर यहां निशान लगाना है और इसको सीधा मिलाना है ऐसे। अब इस रेखा को आपके ये जो गोलाई की है, आपने यू शेप बनाया है, यहां पे ला करके इसको मिलाना है। यहाँ ये हमारे निशान लग गए हैं। अब बाहर के लिए चाहे तो आप सीधी रेखा ड्रॉ कीजिए या हल्की सी गोलाई कर दीजिए ऐसे, या फिर आगे थोड़ा करके, और जिस तरीके से हमने ये डिजाइन बनाया है सेम ऐसे लेके, और ये मैंने फ्री हैंड किया है, आप इंची टेप की मदद से बिल्कुल बराबर ही रखेंगे। ये जो पट्टी होती है, ये निशान लग गए। ये हमारे निशान सभी नेक के डिजाइन के लग चुके हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये एक बैक पीस ब्लाउज का कट करके ले लिया है। ये हमारा मान लीजिए बैक ब्लाउज है, तो इस पे हमें क्या करना है, ये पहले ही गले की जो चौड़ाई रखी थी, ये जो कट किया हुआ है, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ जिससे समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये जो चौड़ाई है हमारी, ये है हमारी जो ये कट निशान लगा हुआ है 3 इंच पर या 2.5 पे जितना लगाना चाहो। लंबाई हमने यहां पर रखी है 4.5 इंच।
साढ़े चार इंच पर हमने ये गोलाई कट कर दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो कट किया है यहाँ इंची टेप को रखना है और जितनी लंबाई रखना चाहे उतनी ही इस तरीके से तिरछा इंची टेप करके रखना है। यहाँ हमने 13 पे निशान लगाया। 13 पे निशान लगाने के बाद हमें जो शेप देनी है ये देखिए, यहां से हम अपने ये गोल करते हुए हल्की सी कम गोलाई करते हुए और ये जो हमने कटिंग की हुई है यहां ला करके मिला देंगे। तो ये सभी जो नेक के डिजाइन हैं इनके निशान लग चुकी है। अब मैं इनकी कटिंग करती हूं। ये देखिए, सबसे पहले हमें यहां से जो निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे हमें कट करना है। आप इनको पेस्टिंग पे, फ्यूजिंग पे, बुकरम पे जैसे भी कट करना चाहे आसानी से कट कीजिए और अपने सूट पर, कुर्ती पर, गाउन पर, ब्लाउज, किसी भी प्रकार के आपके जो गारमेंट हैं उनमें आप ये डिजाइन बना सकते हैं। ये जो हमने नीचे का निशान लगाया इसकी आप इस तरीके से कटिंग कर लेना, जैसे ये निशान लगे इसी पे कटिंग हो जाएगी। मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी। ये आप देखिए ऐसा ये डिजाइन होगा और आप इसकी कटिंग कर लेंगे जब आप अपने गारमेंट के लिए बनाएंगे। तो ये हमारे एक डिजाइन और ये हमारा सेकंड जो हमने निशान लगाया इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे, और बनने के बाद ये बहुत ही सिंपल, सोबर, सुंदर लगते हैं। ये हमारा थर्ड, यहां से इस सर्कल को इसी तरीके से हम यहाँ कट करेंगे और अपने जो पेस्टिंग पे कट करोगे या कपड़े पर करोगे इसी तरीके से कट करते हुए आप सभी सर्कल की कटिंग करेंगे। आप डिजाइन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी पेस्टिंग पर ही बनाए, आप किसी भी रफ कागज पर कटिंग करके भी सीख सकते हैं। सीखने के बाद आप अपने कपड़े पर डायरेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो डिजाइन हमें कट करना है इसको हमें खोल के करना है। क्यों? क्योंकि हमारा ये एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट है, एक साइड हमारा डिजाइन है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको सीधा कट करेंगे हम ऐसे और ये वाली जो साइड है हमारी इसको पकड़ के जो हमने सर्कल ड्रॉ किए हैं उन ड्रॉ किए हुए सर्कल पर हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, आप जब अपने नेक के लिए कोई डिजाइन बनाना चाहे तो कुछ भी ड्रॉ कीजिए। डिजाइन एक कला है, ये नहीं है कि हमें डिजाइन सीखनी है तभी हमें आएंगे। आपके दिमाग में जो आए वही आप बनाइए और बना के देखिए कि आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो बनाया हुआ गले का डिजाइन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिएटिविटी कहते हैं कि भाई हमने ये बनाया। ये देखिए ये हो गया। नेक्स्ट हमने ये जो ड्रॉ किया इसको भी हम जहां हमने ड्रॉ किया है उसी पर हमने ये कटिंग करनी है। ये देखिए ऐसे, बहुत सिंपल है ये सभी डिजाइन और बनने के बाद इनकी जो लुक है बहुत ही सुंदर आती है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ सभी गले के डिजाइन को। ये एक, ये हमारा ये देखिए सेकंड ये है, ये देखिए थर्ड हमारा ये है। ये हमने जो ब्लाउज पे बनाया था, मैंने ब्लाउज कट करके कि भाई आप ब्लाउज पे सीधा अगर कपड़े पर आपने ब्लाउज इस तरीके से कट किया है तो कैसे बनाएंगे, ये हो गया। और नेक्स्ट हमारे ये देखिए, बहुत ही सिंपल और सुंदर बैक नेक के डिजाइन है ये सभी। हमारे बैक नेक डिजाइन की कटिंग कंप्लीट हुई।